Assalamualaikum, I hope you're all doing well. So, हमने इवनिंग में एक पोल लगाया था और इंस्टाग्राम पे आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेने के लिए. सो अभी अराउंड 20,000 प्लस हमें क्वेश्चंस आए, तो वी थॉट वी शुड मेक अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब सॉरी, ताकि जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको हम लाइक प्रॉपरली उसका आंसर कर सकें. सो मेरे साथ इस टाइम डॉक्टर खान हैं और इनसे अब क्वेश्चंस वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे. कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू. अच्छा जी, जितने भी क्वेश्चन थे हम कोशिश करेंगे, अहमद जितने भी क्वेश्चन है जितना हो सके तो हम मैक्सिमम हम उनको आंसर करने का करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बीइंग अ डॉक्टर वर्थ इट? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बट पीपल आर लाइक इट लुक्स योर लाइफ इज टफ एंड नॉट वर्थ इट. इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर्स की लाइफ टफ होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट वर्थ इट है. बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर बन के आप आ जाते हो हॉस्पिटल में, पेशेंट आपके पास मजबूर लोग आ जाते हैं, और कोई ऐसा पेशेंट कोई इमरजेंसी में आ जाते हैं और आप ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में आपको पता चल जाता है कि पेशेंट रिकवर कर गया, उस टाइम जो फीलिंग्स होती है उस टाइम तो बंदे उस टाइम कहते कि भाई वर्थ इट है, जितना मैंने पढ़ा है 5-6 years, मैंने इतनी मेहनत की है तो आज वो काम आ गया, तो इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर बनने में. ओके, सो द सेकंड वन इज, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज. स्टडीज के लिए बहुत सारे आजकल मैं बच्चे देख रहा हूँ, एमडीकेट के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे तो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में चले गए स्टडीज की वजह से. अगर आप लोग दिन में 5-6 घंटे भी स्टडी करें, दिल से मेहनत करें, तो वो आपके लिए बहुत है. आप लोग अपना रूटीन बनाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, इसको मैं बार बार बताता हूँ, नमाज पढ़ा करें, साथ साथ अपने आपको पता होगा रात के टाइम मैंने कितना स्टडी करनी है, मैंने किस टाइम सोना है, सुबह किस टाइम उठना है, लेट टाइम सोना है उठना ये बहुत ज़्यादा गलत है. सो कोशिश करें रात के टाइम 1-2 घंटे स्टडी करके सो जाए, सुबह टाइम 4-5 बजे उठ के नमाज पढ़ के 3-4 घंटे स्टडी करके, बहुत ही वो बेस्ट टाइम होता है स्टडी के लिए. सो रूटीन और ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बन जाते हैं, जो बंदा 1-2-3 दिन तो बन जाते हैं, और स्टडी आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज्यादा और जितने भी कर सकते हैं तो फिर करते हैं. ओके, सो इंशा बशीर पूछ रही है, योर जर्नी अंटिल यू बिकम अ डॉक्टर मीन्स मैट्रिक, FSC, MD CAT, आपको मोटिवेशन बेसिकली कैसे मिली? एक वीडियो में तो मैंने बताया था सब कुछ कि मैं अपने दिल लोअर से बेसिकली मैं जहाँ से हुआ से मैंने मैट्रिक की, FSC की, मेरा अबू डॉक्टर है और उनकी ख्वाहिश पे मैं डॉक्टर बना, वरना मेरा तो स्टार्ट में इतना शौक नहीं था. बट जब मैं चला गया वहाँ पे फिर हॉस्पिटल में जब हमारे क्लिनिकल क्लासेज होती थी तो मैं जब देखते था डॉक्टर्स इमरजेंसी इतने सीरियस पेशेंट आते थे और डॉक्टर्स हेल्प करते हैं और जो पेशेंट फिर ठीक हो जाते हैं, तो वो मैं उस टाइम मोटिवेट होता था कि यार मैंने भी बनना है और मैंने इंशाल्लाह लोगों की हेल्प करना, मैंने कभी भी पैसे के लिए नहीं सोचना. वो सब लोग कहते भाई डॉक्टर बन के हमने पैसा कमाना है ये वो, अभी तक मैं पैसे के नहीं सोच रहा हूँ न मैं कमा रहा हूँ, बस मैंने यही सोचना है कि मेहनत करो दिल से लोग की, कोशिश करो कि जितना हो सके और मैं करूँ. ओके, सो एनी अख्तर पूछ रही हैं कि हाउ टू स्टडी BBA इन चाइना. चाइना में अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो अगर आप लोग मास्टर पे जाना चाहे तो बेस्ट है, BBA के लिए चाइना नहीं, MBBS के लिए बेस्ट है. BBA के लिए आपको किसी और कंट्री, मतलब चाइना आई थिंक किसी और कंट्री पे चले जाए BBA के लिए, वरना पाकिस्तान बेस्ट है, आप MBA के लिए जा सकते हैं. ओके, सो एक और क्वेश्चन है आपके इंडियन फॉलोअर की तरफ से कि आप इंडिया कब विजिट करेंगे? यार टू बी ऑनेस्ट, इंडिया मेरा बहुत दिल कर रहा है और मैंने अभी एक एजेंट से बात भी की थी, लेकिन वो कह रहा था कि इंडिया जाना पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई पॉसिबिलिटी जब भी हुई तो इंडिया तो पड़ोस मुल्क है और इंडिया से तो वैसे भी मेरा बहुत प्यार है. अभी वर्ल्ड कप भी था, आई नो कि हम डिस्कस वगैरह कर रहे थे बट वो कुछ, सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर पॉसिबल हुआ तो जल्दी. ओके, पिम्स में डेंटिस्ट किस दिन बैठते हैं अपॉइंटमेंट के लिए? पिम्स में रोज होते हैं, जो डेंटिस्ट है उनकी अलग डिपार्टमेंट है, मुझे इतने ज्यादा आइडिया नहीं है उनके बारे में. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. हाँ, तो वो आप वहाँ पे जाके कंफर्म कीजिए. ओके, मुझे मैं कोई अपना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खुद देखता हूँ. अच्छा, आप कॉलेज में क्या कर रहे थे? कॉलेज में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, सच बताऊं तो मैंने एंजॉय किया है,
अहमद आप तो बड़े पढ़ाकू बच्चे थे बट मैंने ये ऐसे नहीं की। अभी भी मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं यार क्या टाइम था मजे का। कराची कब आएंगे? कराची तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सर हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू। अच्छा MBBS जर्नी के बारे में बता दे। MBBS ये कि चाइना गया, वहाँ पे मेरे एक सीनियर है डॉक्टर इसन अभी इधर साइड पे बैठे कैमरे के सामने नहीं आ रहे। वालेकुम सलाम सर। तो जो वहाँ पे स्टार्ट में तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लैंग्वेज का, वहाँ के खाने, वहाँ के एनवायरमेंट पसंद नहीं आया, बट बाद में मुझे नहीं पता था कि चाइना के बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने जितना सपोर्ट किया है तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा जी, वाई यू आर सो क्यूट? नो आई एम नॉट, थैंक यू। अच्छा YouTube चैनल बता दे। YouTube चैनल यही है जो वीडियो में पोस्ट कर। थैंक यू सो मच जितने लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। ओ क्वेश्चन है डॉक्टर एहसान, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप देख के थे कितनी गर्लफ्रेंड ने? ये सवाल नहीं पूछा जाता। यार कोई ऐसी बात नहीं। स्किन केयर रूटीन क्या है? यार स्किन केयर रूटीन मेरा तो इतना कोई खास नहीं है। फेस वॉश, और फेस वॉश के बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइजर, और उसके बाद सनब्लॉक यूज करता हूँ। अगर आप लोगों को स्किन केयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट करें, उस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं अपना इतना ज्यादा नहीं करता बट मुझे पता है, मैंने एस्थेटिक कोर्सेस किए तो मैं बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट बिहाइंड योर फिट बॉडी एंड हाइट। हाइट तो मेरे अब्बू, मेरे फैमिली में सारे हाइटेड है माशाल्लाह। और फिट बॉडी अभी तो इतने फिट नहीं, थोड़ा वेट गेन किए, बट ये कि डाइट का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। मीठा बिल्कुल हराम, मीठा मैं बिल्कुल नहीं खाता। और दूसरा ये कि जितने भी खाने में ज्यादातर कार्ब्स होते हैं तो वो मैं नहीं लेता, कोशिश करता हूँ कम लेता हूँ, बट आजकल थोड़ी रूटीन खराब हुई है तो। ओके नेक्स्ट वन इज, करंटली आई एम डूइंग क्लिनिकल मेडिसिन हियर इन चाइना, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गुड डिसीजन? ऑफ बेस्ट डिसीजन, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना में पढ़े, एंजॉय भी करे। चाइना के जो 5 years होते हैं ना, जिंदगी के सबसे अच्छा टाइम आपका होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा कि आप हम अभी इतने मिस कर रहे हैं अपने चाइना। डॉक्टर हसन जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब भी मौका मिलता है मैं चाइना का विजिट करता हूँ। आई लव चाइना और ये डिसीजन भी बेस्ट होता है। क्वेश्चन इज, आई एम सेकंड ईयर ड्रॉप आउट आफ्टर 12th एंड आई डोंट नो, आई फील स्ट्रेस्ड आउट, अनएबल टू स्टडी, सडनली स्टार्ट क्राइंग। मेंशन करो लड़की का नाम। सानिया नाम है। सानिया बहुत अफसोस हुआ, बट ये कि आपने परेशान नहीं होना, फेलियर इज द नेक्स्ट की ऑफ सक्सेस। सो आपने इस बात पे कोई वो नहीं करना कि आप फेल हो गए, ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आपके दोस्त बहुत सारे फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, आपने उन लोगों की वजह से आपने कामयाब होना है। और ये कभी नहीं सोचना कि लेट हो गया है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करें अभी स्टार्ट करें और कामयाब हो जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप कर सकती हो। अगेन आपके बांग्लादेश के फैन का मैसेज है कि आप बांग्लादेश कब विजिट करें? बांग्लादेश तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बट तबलीग इत्तिमा में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अहमद जाएंगे दोनों, दाढ़ी रखनी पड़ेगी आपको, देख लेंगे। योर स्कोर इन MDCAT? MDCAT मैंने नहीं दिया था, मैं डायरेक्ट चाइना गया था। मैं टर्की गया था वहां से चाइना। Why you choose aesthetic? Aesthetic मैं अपने MBBS किए और अभी अपने स्पेशलिटी भी कर रहा हूँ, बट aesthetic एक साइड कोर्स है। मैंने ये इसलिए किया कि बहुत सारे लोग के मुझे स्किन रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैंने सोचा aesthetic कोर्स डॉक्टर के लिए बहुत ईजी होता है। तो मैंने सेकेंड टाइम में कोशिश करूंगा जब भी टाइम मिले अपने एक सेटअप का वहाँ पे आप लोगों के लिए, जितने भी स्किन रिलेटेड इशूज है बहुत सारे यहाँ पे क्लिनिक्स खोले हैं। वो डॉक्टर्स तो नहीं होते अभी, मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, बट ये है कि गलत चीजें वो लोग वो कराते अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मैं इसलिए कि लोगों को सही गाइड करूँ इंशाल्लाह, इस पर मैं एक वीडियोस भी बनाऊंगा और यूट्यूब पे भी पूरी वीडियो बना लूंगी इंशाल्लाह। इस इंस्टाग्राम पे तो जो मेरे मैनेजर है अहमद, इनसे मैं पूछूंगा, आपने जवाब देने ब्रो, ठीक है।
ठीक है अच्छा जी ब्रो, दाढ़ी क्यों नहीं रखते आप? ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेरी बात है। मैंने तो रखी है, आप अपनी बात करें। मैंने तो रखी हुई कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा आप कब शादी कर रहे हैं? मैं ही आप? मैं? आप मेरा अभी बहुत टाइम है, अभी कितना टाइम है अभी कुछ नहीं पता, अभी काफी। लोगों के दिल ना तोड़ो, जल्दी बताओ कब करनी है। लोगों के दिल तो आप तोड़े हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं तोड़ा। अच्छा which thing make you to never give up? I guess इस चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको गोल होना जरूरी है आपकी जिंदगी में। अगर जिस बंदे का गोल नहीं है सो वो एक कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट भी नहीं आता। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि लाइक मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन चाहिए, बट आई गेस मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है। देर इज वन थिंग विच इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंट होके करोगे तो वन डे आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। थैंक यू। अच्छा ये सारे डॉक्टर रिलेटेड है तो आर यू एंगेज? यस आई एम एंगेज विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका नाम क्या है? मेरा अपने नाम हिदायतुल्लाह खान, चाइनीज नेम लिखूंगी। यार थैंक यू सो मच गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और ये खत्म होने वाले नहीं है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाए। अहमद थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर हसन। नेक्स्ट वीडियो हम डॉक्टर हसन के साथ बनाएंगे, हमारे सीनियर है, मोस्ट रिस्पेक्टेड और यहाँ पे डॉक्टर है, तो उनके साथ वीडियो बनाएंगे। वो बड़ा शुगर वाले वीडियो होगी इंशाल्लाह, ट्रूथ एंड डेयर वाला। सो थैंक यू सो मच, सब अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।